गणेशोत्सव की शुरुआत हो चुकी है। बॉलीवुड के तमाम सितारों के घर पर बाप्पा का आगमन हो चुका है। इस वक्त मैं खड़ा हूँ जाने माने अभिनेता जितेंद्र जी के घर पर और तुषार कपूर के घर पर, जिनके घर पर पिछले 45 सालों से बाप्पा का आगमन हो रहा है, उनका स्वागत हो रहा है। तुषार, बहुत बहुत स्वागत है बीपी न्यूज में। थैंक यू सो मच। बाप्पा का आगमन आपके घर में पिछले 45 साल से हो रहा है और इस बार भी हम देख रहे हैं कि एक खास मूर्ति आप लोगों ने स्थापित की है। क्या कुछ कहना चाहेंगे, कितना इंतजार करते हैं इस पल का, इस मोमेंट का? बहुत इंतजार करते हैं और बहुत बुरा लगता है जब गणपति बाप्पा चले जाते हैं। तो एक बहुत अहम अतिथि है हमारे घर पे 45 ईयर्स से, एंड फैमिली का एक ट्रेडिशन बन गया है। तो मेरे बाद भी मेरा बेटा करेगा पूजा, एंड बस हमारे लिए तो मतलब इट्स पार्ट ऑफ आर फैमिली, पार्ट ऑफ आर लाइफ, पार्ट ऑफ आर होल ट्रेडिशनल वैल्यू सिस्टम जो कहते हैं, लिविंग इन महाराष्ट्र, लिविंग इन इंडिया। तो ये हम कभी तोड़ेंगे नहीं इस ट्रेडिशन को। हम सब अक्सर जब आपके यहाँ पर आते हैं तो आप और जीतू सर जो हैं वो साथ में पूजा करते हुए नजर आते हैं। आज हम उन्हें बहुत मिस कर रहे हैं इस वक्त। मैं जानना चाहूंगा कि आपकी क्या कुछ यादें रही हैं बचपन की, जब गणेशोत्सव का आगमन होता था, पंडाल हॉपिंग भी करते रहे होंगे, कुछ यादें अगर आप शेयर करना चाहें। बचपन में तो घर पे ही रखा करते थे हम, पालीवील में रहते थे उस टाइम पे, और उस टाइम पे आई थिंक इतना ये मतलब सोशल सीन नहीं हुआ करता था। सब अपने घर में गणपति मनाते थे, थोड़े गेस्ट आते थे, थोड़े कजन आते थे, हम सब मतलब पंडल हॉपिंग नहीं करते थे उस टाइम। अच्छा। पे अभी वो ज्यादा हो गया है, इंस्टाग्राम पे डालना और ये वो। बट दैट टाइम इट वाज वेरी सिंपल, लेकिन बहुत बड़े पैमाने पे मनाया जाता था। हमारे घर पे भी मतलब पापा आते थे और हमारे बिल्डिंग के फ्रेंड्स आते थे, या फिर हमारे दादा दादी आते थे, कजन आते थे। अच्छा। तो वैसा हुआ करता था। मैं अगर पूछूं आपसे कि आज जो गणपति स्थापित की गई है उसे जिस तरह से सजाया गया, बहुत यूनिक तरीके से सजाया गया, कुछ बताना चाहेंगे इसकी खासियत, इस सजावट की खासियत, इस मूर्ति की खासियत? दिस टाइम आई थिंक पिछले कुछ सालों से मतलब सॉल्यूबल इको फ्रेंडली गणपति लेकर आ रहे हैं हम हर साल, ताकि इमोशन के वक्त भी मतलब समुंदरों को मतलब ज़्यादा खतरा ना हो। सो वैसे बनाया जाता है, पोल्यूशन ना हो। यस, एंड हाइट हमने बढ़ाना बंद कर दिया बहुत साल पहले। और उसके अलावा बस जैसे हर साल आते हैं वैसे इस साल भी आते हैं, सुबह आरती करते हैं, शाम को आरती करते हैं, 5 डेज का गणपति रखते हैं हम, तो गौरी विसर्जन करते हैं हम। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट संदेश आपने दिया है कि इको फ्रेंडली गणपति है और सबको इको फ्रेंडली ही रखना चाहिए, क्योंकि उससे प्रदूषण बहुत फैलता है, पानी समंदर हो या तालाब हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यस डेफिनेटली, एनवायरमेंटल फ्रेंडली गणेश उत्सव मनाने चाहिए हमें, सारे फेस्टिवल्स इनफैक्ट शुड बी वेरी एनवायरमेंटली फ्रेंडली, नॉइस पोल्यूशन को ध्यान में रखते हुए, एयर पोल्यूशन को ध्यान में रखते हुए, ज़्यादा वेस्टेज नहीं हो, यू नो, एंड हमारी जो साफ सुथरी शहर हमारी काफ़ी साफ सुथरी होने जा रही है, सो दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, एंड इवन द गवर्नमेंट इज प्रमोटिंग दैट आइडियोलॉजी, इवन गणपति बप्पा वुड लाइक इट दैट वी सेलिब्रेट हिम विथ कीपिंग द हैप्पीनेस ऑफ अदर्स एंड द एनवायरमेंट इन माइंड। अगर एनवायरमेंट तंदुरुस्त रहेगा तो हम तंदुरुस्त रहेंगे। एक चीज और कि अगर जीतू जी की बात करें तो भले ही गणपति 45 साल से आ रहे हैं, लेकिन जो चौल में आप लोग गिरगांव में रहते थे, अभी भी जीतू जी वहां जाते हैं, इस बार भी जाने वाले? ही गोज एवरी ईयर, उनका पुराना घर है वहां, मैं तो कभी गया ही नहीं हूं, आई हैवंट बीन देयर, पर वो जाते हैं हर साल और इट्स लाइक अ ट्रेडिशन फॉर हिम। तो मेरे लिए मैं अपने पुराने घर भी जाता हूँ कभी कभी, जो बांद्रा में हुआ करता था, and it just brings back old memories, and he gets to meet some very old friends there, जो उनके पुराने मित्र हैं, जो उनके पुराने वहाँ के रहने वाले लोग हैं, उनके बच्चे जो अभी बड़े हो गए हैं, he gets to visit and see some familiar faces also, तो उनको अच्छा लगता है। बस आखिरी चीज़ कि बापा से जुड़े हुए बहुत सारे नारे हैं, कोई ऐसा नारा बापा की शान में आप लगाना चाहेंगे, कुछ कहना चाहेंगे? ऐसा कोई फिल्मी गाना तो नहीं मेरे दिमाग में, कोई गाना नहीं, नारा बोल रहा था मैं, गणपति बाप्पा मोरिया या ऐसा इस तरह से कुछ। आई लाइक दैट, गणपति बाप्पा मोरिया, पुरजा वर्षी लोक करिया, लव करिया, कम बैक फास्ट, एंड दैट्स अ वेरी अप्रोप्रिएट लाइन, बिकॉज़ इट वाज स्टार्टेड बाय लोकमान्य तिलक, एंड आई एम श्योर दिस टैग लाइन आल्सो हैज कम एट दैट टाइम, गणपति बाप्पा मोरिया पुरजा वर्षी लव करिया। इसका मतलब होता है हिंदी में कि गणपति बाप्पा आप जात हो रहे हैं अपने गाँव, लेकिन अगले साल
जल्दी आइएगा। एबीपी न्यूज से खास बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। तो ये थे हमारे साथ तुषार कपूर, जो बता रहे थे कि बाप्पा के वो कितने बड़े भक्त हैं और किस आस्था के साथ हर साल वो गणेश उत्सव का त्यौहार मनाते हैं। कैमरामैन रवि पांचाल के साथ रवि जैन, एबीपी न्यूज, मुंबई।